मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड। देखिए चैप्टर नंबर 11 हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए थे बच्चों। ईसा मसीह वाला चैप्टर था। इसके बाद है चैप्टर नंबर 12, अनोखी मित्रता। तो हम लोगों ने कल कृष्ण सुदामा की मित्रता पे ये लेसन था, इसको पढ़े और समझे कि हमें मित्रता कैसी होनी चाहिए, हमारी मित्रता कैसी होनी चाहिए। तो कृष्ण और सुदामा की तरह होनी चाहिए कि बिना उपकार किए, बिना उपकार जताते हुए हमें अपने मित्र के लिए क्या करना चाहिए ताकि मित्र को पता भी ना चले और मित्र मित्र की जो है सहायता भी हो जाए। तो दिया है यहाँ पे, बिना जताए उपकार करने वाले सच्चे मित्र श्री कृष्ण के प्रति सुदामा के मन में गहरी श्रद्धा उमड़ पड़ी। बहुत अधिक प्रसन्नता से उनकी आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। इतनी ज्यादा वो खुश हो गए अपनी मित्र की, सच्चे मित्र की उपकार को देखकर सुदामा इतने खुश हो गए कि उनकी आंखों से आंसू टपकने लगा। तो ये था श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का वर्णन किया गया इसमें। इसके बाद है, देखिए आइए चलते हैं क्वेश्चन पे, अभ्यास क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज पे। तो शब्द ज्ञान दिया है, देखिए दिया है बाल सखा। बाल सखा मीन्स क्या होता है, बचपन के मित्र। आइए मीनिंग देखते हैं बाल सखा, बचपन के मित्र। दिख रहा है बच्चों, ऊपर लिखते हैं इसको, बचपन के मित्र। ये चैप्टर का नाम है अनोखी मित्र। तो बचपन के मित्र, भेंट, उपहार, द्वार, दरवाजा, स्थिति, चरण, पैर, दृष्टि, नजर, व्यवहार, बर्ताव।
तृप्ति, संतुष्टि, संतुष्टि, ब्रह्मिस ब्रह्मिस दुविधा, ब्रह्म दुविधा, ब्रह्म में पड़े हुए थे। कृपा, दया, मन, हृदय। राइट कर लीजिए बच्चों। आप इसको राइट कर लीजिए। चलिए हो गया होगा। पहले लोग गुरुकुल में ही आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। उन्हें विद्यार्थी शिक्षा, अनेक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। तो देखिए दिया है संदीपन, यानी गुरु संदीपन, गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, इनमें से कोई नहीं। तो श्री कृष्ण और सुदामा किसके आश्रम में गए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए? तो गुरु संदीपन, किसके? गुरु संदीपन। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ऑफ राइट कर लीजिए। ख है बीच, क्या चीज था इसमें? ऑप्शन में है, देखिए दिया है बेल, चने, केले, सेब। तो अभी संदीपन जो गुरु माता थी वो लकड़ी काटने के लिए जब उन लोगों को भेजी थी जंगल में, तो उनको क्या दी थी? चने दी थी। जो कि क्या कर रहे थे बीच बीच में? वो कौन? सुदामा खा रहे। क्या दी थी? चने। तो ऑप्शन आपकी
भाभी ने हमारे लिए अवश्य कुछ भेजा है। तो कौन भेजा है? भाभी। वाला ऑप्शन आप क्लिक कर लीजिए। घर है, सुदामा अपने मित्र के लिए क्या लेकर आए थे? क्या लेकर आए थे? देखिए, सुदामा अपने मित्र के लिए क्या लेकर आए थे? चावल, गेहूं, दाल, फल। तो उनकी पत्नी ने सुशीला जो थी, पत्नी सुदामा की पत्नी सुशीला ने कृष्ण के लिए क्या दिए थे? कृष्ण के लिए क्या दी थी? चावल। वाला ऑप्शन आप राइट कर लीजिए। इसको आप राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर टू। किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? कौन है मेरे दार सर्दी कारण बज रहे हैं? ख द्वारिका धीश श्री कृष्ण आपके मित्र और गुरु भाई हैं। के मित्र और गुरु भाई हैं। चाहिए ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता वे हमारे बाल सखा है, बाल सखा है। मैं उनसे मिलने आया हूँ, मिलने आया हूँ।
होंगे हाथी ने हमारे लिए अवश्य कुछ भेजा है। देखिए अब देखिए दिया है किसने किससे कहा तुम मेरे दांत सर्दी के कारण बच रहे हैं। कौन कहता है? सुदामा ने किससे कहते हैं? कृष्ण से, श्री कृष्ण से। दिया है ना लेसन में जब देखिए दिया है सुदामा ने नहीं मित्र मेरे दांत सर्दी के कारण बज रहे हैं तो सुदामा ने किससे कहते हैं? श्री कृष्ण से यानी अपने मित्र से। तो यहाँ पे मित्र ही लिख लीजिए। सुदामा ने मित्र से क्योंकि उस समय मित्र रहते हैं। सुदामा ने मित्र से फिर दिया है द्वारका जी श्री कृष्ण आपके मित्र और गुरु भाई है। द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र और भाई हैं। कौन कहता है? कौन कहता है? उनकी पत्नी ने आपको क्या चाहिए ब्राह्मण देवता? किसने कहा? द्वारपाल ने किससे कहा? सुदामा से। द्वारपाल ने सुदामा से कहा आपको क्या चाहिए ब्राह्मण देवता? वे सुदामा ने अपने मित्र से कहते हैं मेरी दांत सर्दी के कारण बज रहे हैं और पत्नी ने सुदामा से कहती है द्वारका जी श्री कृष्ण आपके मित्र और गुरु भाई हैं। आप और द्वारपाल ने सुदामा से कहते हैं आपको क्या चाहिए ब्राह्मण देवता? और सुदामा ने द्वारपाल से कहते हैं हमारे बाल सखा है मैं उनसे मिलने आया हूँ। इसके बाद तो ये देखिए बच्चों रहा किसने किससे कहा। इसके बाद है आप इसको पहले राइट कर लेंगे किसने किससे कहा।
कलियुग राइट। इसके बाद दिया है देखिए श्री सॉरी तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में क्यों गए थे, दूसरा है सुशीला ने सुदामा को द्वारिका जाने को क्यों कहा, जब सुदामा द्वारिका पहुंचे तो उनकी क्या दशा थी, श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण किस प्रकार धोए, और लास्ट है जब सुदामा अपने गांव लौटे तो उन्होंने क्या पाया। तो ये जो अभी क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है बच्चों, ये और बाकी जो आगे नीचे है इसको हम आपको कल राइट करा देंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।